तो कहा केबीसी ग्लोबल कंपनी का स्टॉक 15 रुपीज़ के आसपास था और आज गिर के कहा पर आ गया है, ठीक है। और हर डे 1%, 2%, 5% करके नीचे ही गिर रहा है, ठीक है। तो इसका अगर अपर टारगेट के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो 4 रुपीज़ 80 पैसा इसका अपर टारगेट रहेगा, और इसका अगर लोअर टारगेट के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो 50 पैसा इसका लोअर टारगेट रहेगा, ठीक है। और इन सारे स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग ना करें तो ही बेस्ट रहेगा। पहला चीज़ है, इनका बायर इतना ज़्यादा नहीं है और ज़्यादातर सेलर है इसमें। और दूसरा चीज़ है कि दोस्तों, इनमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी ना करना बेस्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका प्रोमोटर भी इतना अच्छा नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। और इसके बाद भी दोस्तों, खुद एनालिसिस करना सीखो, और भी बहुत सारे वीडियोस है चैनल पर, उनका वीडियो देखो। उन जिस स्टॉक का वॉल्यूम ज़्यादा है उसमें ट्रेड करो, ठीक है, क्योंकि इन सारे स्टॉक का वॉल्यूम इतना अच्छा नहीं है अभी के टाइम पर, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।